तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ब्लड के डबल सर्कुलेशन की कि डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में क्यों कहा गया है सो एज वी ऑल नो हमारी बॉडी का जो पंपिंग ऑर्गन है वो है हार्ट आई एम ड्रॉइंग द हार्ट ओवर हियर ये हार्ट का एक रफ डायग्राम बनाया है मैंने दिस इज राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम And left ventricle हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी से जितना भी इंप्योर ब्लड है जो कि CO2 वाला ब्लड है जो हमारे सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं CO2 तो हमारी बॉडी से जितना भी CO2 वाला ब्लड है वो सारा के सारा वापस जाता है हार्ट में इनटू द राइट एट्रियम ये राइट right एट्रियम सारा ब्लड भेजता है राइट right वेंट्रिकल को सारा के सारा सीओ टू वाला ब्लड यहाँ पे आ जाता है और फिर फाइनली ये राइट right वेंट्रिकल से सारा ब्लड जाता है ऑर्गन में जिसका नाम है लंग्स लंग्स का काम हम सभी को पता है लंग्स का काम होता है एयर को प्यूरिफाई करना दैट इज टू टू टेक इन ऑक्सीजन एंड टू रिलीज आउट सीओ टू तो जितना भी सीओ टू वाला ब्लड यहाँ पे आया है उसमें से सारा के सारा CO2 लंग्स के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाएगा और जो भी लंग्स ने ऑक्सीजन गेन किया है एटमोस्फेयर से वो सारा ऑक्सीजन ब्लड में पोर कर देगा इसी तरह से जो लंग्स है वो एयर को और ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा यहाँ पे जो प्यूरिफाइड ब्लड अब लंग्स के अंदर आ गया है ये लंग्स प्यूरिफाइड ब्लड वापस से देगा किसको हार्ट को अब ये जो आया है ये कौन सा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आके लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में अब सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो जाएगा यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से हमें पता है सबसे बड़ी एओटा दैट इज डोरसल डोरसल आर्टरी निकलती है तो जो डोरसल आर्टरी यहाँ से निकलेगी लेफ्ट वेंट्रिकल से वो अगेन अलग अलग आर्टरीज में कैपिलरीज में ब्रेक होके बॉडी के हर ऑर्गन को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगी दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी जो लेफ्ट जो बॉडी के थ्रू जो राइट right एट्रियम में जितना भी सीओ टू वाला ब्लड गया है वो सब जाता है वीना केवा के थ्रू बहुत सारी छोटी छोटी होती है अलग अलग ऑर्गन्स की वो सारी के सारी वेन्स जो है कलेक्ट होके एक वीना केवा बना राइट एट्रियम है राइट right वेंट्रिकल right को ब्लड दे रहा है और राइट right वेंट्रिकल के थ्रू लंग्स में जिसके थ्रू सारा के सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्ट्री और लंग्स जब वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा तो ये देगा थु। 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 पल्मोनरी वेन के थ्रू थ्रू पल्मोनरी वेन और ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में देन लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर ये जो है डोरसल एटा या डोरसल आर्ट्री हम कह सकते हैं जो कि पूरी बॉडी को वापस से ब्लड सप्लाई करेगी यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है जो ब्लड है वो बॉडी से एक बार आ रहा है हार्ट में तो ये आ रहा है यहाँ पे एक बार उसके बाद लंग्स से वापस वही ब्लड जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया था सेम वही ब्लड लंग्स वापस हार्ट को रिटर्न कर रहा है तो सेम ब्लड वापस हार्ट में कितनी बार आ रहा है सेकेंड टाइम आ रहा है और उसके बाद फाइनली वो बॉडी में डिलीवर हो रहा है तो हमें यहाँ पे ये यह देखना है कि जो ब्लड है वो ह्यूमन बॉडी में हार्ट में दो बार आता है फर्स्ट एंड सेकेंड और उसके बाद वो पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट होता है प्योर ब्लड और क्योंकि यहाँ पे दो बार आ रहा है तो दो गुनी बार आ रहा है इसीलिए हम क्या बोलेंगे ये क्या है डबल सर्क्यूलेशन और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्क्यूलेशन थैंक यू सो मच